इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, जहां पे E है एनर्जी ऑफ द फोटोन, डब्ल्यू नॉट है वर्क फंक्शन एंड के ई मैक्स है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सर्फेस। तो इसके जो अलग अलग वर्जन है उसमें E का फॉर्मूला हो सकता है एच सी बाई लैमडा, अगर हमें वैल्यूज जूल में लिखनी हो, या फिर एच सी बाई ई लैमडा अगर हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी हो। वैसे ही डब्ल्यू नॉट विच इज वर्क फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी बाई लैमडा नॉट, वेर लैमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगेन अगर जूल में लिखना हो, या फिर एच सी बाई ई लैमडा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो। एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम हाफ एम वी स्क्वेयर से भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई वी एस, वेर वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसी के साथ कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो हम याद रख लेंगे तो हमारे काफी काम आएगा एम सी क्यू सॉल्व करने में, जिसमें से एक है एच सी का मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट एस टू इंटू 10^-25 एंड एच सी बाई ई द वैल्यू एज 12430 एंगस्ट्रॉम। अगर हम ये वैल्यू याद रख लेते हैं तो हमारे काफी काम आ सकती है। अब इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला है जो हमारे काफी काम आ सकता है इन एमसीक्यूज इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, विच इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। पावर कैन बी रिटन एज एनर्जी अपॉन टाइम, सो इट बिकम्स ई अपॉन एटी। एनर्जी ये जो होगी वो होगी टोटल एनर्जी। जनरली हम एनर्जी को एच न्यू या एच सी बाई लैम्बडा लिखते हैं, विच इज़ फॉर एनर्जी फॉर वन फोटोन। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ तो या तो इसे एन एच न्यू लिखा जा सकता है बाई एटी, वेर एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, या फिर इसे एन एच सी बाई लैम्बडा इंटू 80 भी लिखा जा सकता है इन केस इफ यू वांट टू राइट इट इन लैम्बडा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ग्राफ्स। फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जहां पे वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज ऑन एक्स एक्सिस एंड द करंट इज ऑन वाई एक्सिस। इट स्टार्ट्स विद अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and it increases and then it goes for a saturation region. I hope you remember, ye saturation isliye aata hai that even though the frequency is kept on increasing, which means the energy of a photon increases, but the number of photons remains constant, which leads to a maximum but constant number of electrons, which actually gives the maximum but constant current. Aur isliye ye saturation region aa jata hai. Dusra graph hai फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देन वी हैव द ग्राफ ऑफ के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नाउ इस ग्राफ को बनाने के लिए वी हैव मेड एन इक्वेशन वेयर वी से के ई मैक्स is equal to h nu, which is energy, minus h nu naught, which is the work function. So ke max ko agar hum y le lete hain, ise m x plus c likha ja sakta hai. That means the m, which is the slope, is h. So ye jo graph hai wo origin se nahi but from a negative y axis se start hota hai, because it has a negative y intercept. So on the x-axis, it crosses at the point nu naught, which is the threshold frequency. And on the y-axis, it touches the point minus h nu naught, which is nothing but the y-intercept. अब इसी की जगह पे अगर हम EVS यानी stopping potential को use करना चाहें और अगर हम इसे E से divide कर दें तो ये equation हो जाएगा h by E nu minus h nu naught by E। तो यही graph VS वर्सेस
फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट किया जा सकता है, वेयर द एक्स एक्सिस का पॉइंट विल रिमेन द सेम बट द वाई कॉम्पोनेंट विल बिकम एच न्यू नॉट बाय ई एंड दैट बिकम्स द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब जो आखिरी ग्राफ है वो कुछ V वर्सेस I के अगेंस्ट है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड और एमिटर एंड कलेक्टर एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एज वी डिक्रीज V, वी एक्सपेक्ट कि करंट भी डिक्रीज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बट वंस वी रिवर्स द पोटेंशियल, यानी एमिटर को पॉजिटिव और कलेक्टर को नेगेटिव बनाते हैं, तो जैसे जैसे पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है और एक पॉइंट पे आके इस करंट जीरो हो जाता है, जिस पॉइंट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसी ग्राफ के दो वेरिएशन हैं। एक वेरिएशन जहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी वेरी कर रही है, जहां पे इंटेंसिटी वेरी करने पर करंट वेरी होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। अब इसी जगह पे दूसरा जो ग्राफ है जहां पे फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा। नाउ इंटेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से द करंट, द सैचुरेशन करंट विल बी सेम, बट फ्रीक्वेंसी वेरी करने की वजह से हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। यानी इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से, अगर हमने इंटेंसिटी चेंज की तो इनडायरेक्टली नंबर ऑफ फोटॉन्स हम अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स के अफेक्ट होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होंगे, जो फाइनली करंट को अफेक्ट करेंगे। और इसी तरह से अगर हमने फ्रीक्वेंसी अफेक्ट की तो जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है वो अफेक्ट होगा, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो अफेक्ट होगा और फाइनली स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है, दैट करंट जो है वो इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन यूज नहीं कर सकते। सो दिस वॉज द रिकैप और अ रिविजन लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स।